The Raid Machine, Rahul Chowdhury. They've come to the party, the Titans, to play their FBM. Go on to the Titans. क्या आपने सोचा था 1.29 तक ऐसे गरमाएगा मामला? यही पता नहीं चल रहा था कौन सी टीम में जाएंगे आप? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतने तक जाएगा। मैं सोचता था कि 81 करोड़ के लिमिट में रहेगा। देखो जी, बहुत मुसीबत उठाई, बहुत मेहनत करी, अब तो खुशी खुशी। ऐसा लगता था कि सपना भी नहीं आया कभी हम टीवी पे आएंगे या हमारे पास इतना पैसा होगा और कभी इतने पैसे हमें मिलेंगे। कहाँ चम्मच कटोरी, कहाँ 1,29,00,000। मैं हूँ राहुल चौधरी और ये है मेरी कहानी। पहले जो ऐसे करते थे। इसके पापा बहुत भूखना थे राहुल को। राहुल अपना रो रहा आगम ना घूम घाम का, मैं फिर अपना ऐसी कुत्ता फांता रहता। पहले गांव में भी ऐसा होता है कि किस प्लेयर को खिलाना है, नहीं खिलाना है, कुछ अपना अपना ऐसी होती थी कि इस प्लेयर को नहीं खिलाना है, इसको नहीं करना है, तुम संघर्ष होता था। तो मैं काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि बढ़िया होके भी नहीं मौका मिलता। बड़े भाई खेलते थे जिस टीम में, उस टीम में उनको मौका नहीं मिल पाता था, वो बाहर बैठते थे। और जैसे कि अब तो बाइक और सवारी का साधन है, लेकिन उस टाइम जो था साधन ऐसा नहीं था। साइकिल ढूंढते फिरते थे यार, कोई साइकिल पर दो बैठेंगे, किसी पर तीन बैठेंगे, तो ऐसे करना पड़ता। साइकिल भी चलानी पड़ती थी और 10 रुपये भी देने पड़ते थे। ऐसे भी टूर्नामेंट हमने खेले हैं। पहले टूर्नामेंट में क्या होता था, कहीं भी प्राइज मनी नहीं मिलती थी। कहीं खेलने जाते तो कहीं कटोरी दे दी, कहीं साइकिल रख दिया, कहीं वो जो चूल्हे आते थे गैस सिलेंडर के, जो उसमें लाइट जलती थी वो दे दिया।
हाँ जब वो घर में आती थी भाई कटोरी आई, इसमें मेहमानों को नमकीन खिलाएंगे, ये कहेंगे नमकीन भाई ये काम चल गया, तो बढ़िया बहुत खुशी होती थी घर वाले के, हाँ भाई कटोरी आई है और प्लेट आई है, वो उसको अच्छा लगता था कि भाई मेहमानों के लिए इसमें चाय, और वो बहुत अच्छा लगता था। एक टूर्नामेंट खेला, उसमें बाहर की टीम भी आई हुई थी, अपने यूपी की पूरी टीम आई हुई थी, तो उसमें फर्स्ट पे बाइक थी पैशन प्रो फर्स्ट टाइम, और वो फर्स्ट हमारी टीम आई और राहुल को इनाम मिला, वो अच्छा सम्मान होया कि भाई हमारे गांव में बाइक आई है, राहुल बाइक जीत के लाया है। जैसे कि कोई भी टूर्नामेंट हम खेलते तो उसमें ऐसा होता था कि ज़्यादातर मैं ही करता था, कि राइडिंग भी करता था डिफेंस भी करता था, तो मुझे वो गांव वाले जब मैं खेलता था तो मुझे आधा हिस्सा देते थे, तो ऐसे जब बाइक उठ के आई तो बाइक जब लेके आए तो बाइक का आधा हिस्सा, मतलब कि उसकी कीमत लगी 30,000, तो 15 में मेरी बैठ गई, 15,000 मुझे को देने दो, तो उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर विवाद हो गया टीम के अंदर कि नहीं ये बाइक मैं रखूँगा, ये बाइक मैं रखूँगा, मैंने बोला भाई बाइक तो मुझे चाहिए, तो उस दौरान फिर टीम ऐसी ही हो गई, उसके बाद खेलना गाँव में खेलना बंद हो गया। जब 10th क्लास में था, 10th पास की, तो मैंने उस टाइम आर्मी की तैयारी की थी, कि क्योंकि आर्मी का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, आर्मी और पुलिस गांव में तो बस पूछो मत कि भगवान हो गया आर्मी में हो गया, तो मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी। पहले मेरा वेट था 56-57 ऐसे कुछ वेट रहता था पतला था, तो उसके दौरान एक गाँव में ही खेलते खेलते रनिंग स्टार्ट कर दी, फिर स्टेडियम जाने लगा मैं। स्टेडियम में एक दिन क्या था, एक तो हमारे जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ के ट्रायल हो रहे थे, तो मैं जब अपना वर्कआउट करके जो रनिंग वनिंग करता था, मैं 1600 मीटर तैयारी करता था, उसको करके उसके दौरान मैं फिर खेलने गया, वहाँ पे ट्रायल देने चला गया, मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ से, फिर लखनऊ गए, लखनऊ जाके ट्रायल हुआ, लखनऊ से ट्रायल होकर अमेठी गए, अमेठी जाके हमारा सिलेक्शन हो गया अमेठी के लिए, तो अमेठी स्टेट हॉस्टल था एक, तो वहाँ जब हम गए खेलने के लिए, कबड्डी का बहुत मतलब क्रेज़ था हमें, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी थी कि यार मैं उसमें हॉस्टल में मेरा सिलेक्शन हो गया है, घर में मिठाई उठाई बंटवाई, सब घुसते कि भाई लड़का जा रहा है बाहर अब खेलने के लिए, तो जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ, बड़ा भाई छोड़ने जाता है हमें, तो जब जा रहे थे तो बड़ी खुशी होती भाई हम जा रहे हैं, पर जैसे ही वहाँ एंट्री की हमने, तो वहाँ स्टेडियम में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तो उस पर हमने लोवर ऊपर करके सिर पर संदूक रख के वहाँ पर पहुँचा मैं, तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो गार्ड था वो कि मच्छी पकड़ रहा था वहाँ, मैं वो तू क्या कर रहा है भाई, मैं मच्छी पकड़ रहा हूँ शाम का भोजन की तैयारी कर रहा हूँ, तो हम भाई पहुँचे वहाँ, तो वहाँ लाइट का कोई सबो नहीं था, व्यवस्था नहीं थी लाइट की, खाना भी बाहर से आता था होटल से, तो ऐसे ही हमने संदूक वंदूक रख के वहाँ अपनी, और जैसे ही रात को वहाँ लेटे हम, तो रात को वहाँ बड़े भाई भी रुका, अगले दिन वो वापिस आए, तो रात को जब वहाँ लेटे तो साले वहाँ पे बिच्छू थे, तो एक हाथ काट लिया मेरे, तो नहीं काटा बिच्छू, तो रो रहा बहुत तेज, मैं क्या क्या हुआ, अरे यार बिच्छू भी है, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, मगर यहाँ तो बिच्छू भी है यार, यहाँ क्या कबड्डी खेलेंगे। उस टाइम राहुल जो है अमेठी हॉस्टल जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का उसमें था, तो तब ये हमारे यहाँ की हमारे जो भाभी हैं अंशु चौधरी कोच हैं, एनआईएस कोच हैं, और एनआईएस कोच लग के बिजनौर स्टेडियम में आई। राहुल को मैं 2008 से जानती हूँ, जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ पे बिजनौर में हुई थी स्टेडियम में, जब मैंने राहुल को फर्स्ट टाइम देखा, जब उसकी एक एक्टिविटी हम लोग देखते, जैसे हम कोच है तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे आप लोग आपको ये दिखता है कि हाँ ये बंदा एक्टिंग कर सकता है, ऐसे हमको देखा उसके अंदर, जो मैंने स्पीड देखा स्टेडियम देखा, एक लगन जो उसके अंदर थी बहुत ज़्यादा, मैंने बोला बेटे ये लड़का जरूर निकलेगा, जरूर आगे जाएगा। वहाँ से आता था तो स्टेडियम जाता था, तो वो कुछ सीखने को ही मिलता था, वो बोलते थे कि तू अच्छा है खिला प्लेयर है, अच्छी मेहनत करो। हॉस्टल में जाने के बाद में इसको वर्क करने की बहुत ज़्यादा वो रहती थी कि आप मेरे को मतलब चैन नहीं था पूरे दिन के, मेरे को ये वर्क करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ इसके अकॉर्डिंग इसको वर्क नहीं मिला, तो नहीं मिला तो इसने बोला कि भाई मेरे को वहाँ पे नहीं रहना है। एक बाहर सीखने जाना था तो एक घर का ही कोच मिल गया, कोच भी और भाभी भी, तो जब वो कबड्डी सिखाती थी यहाँ बिजनौर, मैं भी सीखता था बहुत ज़्यादा कबड्डी, उन्होंने सिखाई, घर में एक अच्छा माहौल हो गया कबड्डी को लेकर, मतलब कि एक सीरियस हो गया, मतलब कि छोटा भाई भी कबड्डी खेलने लगा, मैं तो खेलता ही था, तो जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था कबड्डी, तब तो नहीं थी, जब मैडम और जब भाभी जी आई शादी होने के बाद, तो जो मेरे गेम में थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो भी पूरी करवाई उन्होंने, मुझे स्किल करवाई, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई। मेरे देवर हो गए, मेरे हस्बैंड, मैं, राहुल, हम लोग किसी भी टेक्निक को लेके हमेशा मतलब डिस्कशन करते थे कि अगर ये टेक्निक हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, और क्या अगर मतलब ये ऐसे नहीं होता है तो मतलब इसका क्या मतलब इसका नुकसान है।
टेक्निक का, तो हमारे यहीं पे ग्राउंड बना हुआ था हमारा, और गांव के भी लड़के यहाँ पे प्रैक्टिस करने के जाते थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि भाई उनको खिलाया बताया कि ऐसे खेलो, ये करो वो करो, बहुत अच्छा ट्रिक दी, और उन्होंने कहा कि तू बहुत आगे जाने वाला प्लेयर है, बहुत मेहनत करो और आगे बढ़ो, जैसे कि हमारा साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी है कि वहाँ जो है साई में अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कोच हैं, वहाँ ट्राई करो। उसके बाद हमने बोला साई के फॉर्म निकले हुए हैं, साई की इसने ट्रायल दी, अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वहाँ पे इसका साई में हो गया, सिलेक्शन हो गया। उस टाइम बाद लेटर आ गया, तो मैं वहाँ सोचता कभी उसके जैसा ही हो, जैसे स्टेट हॉस्टल में था मैं, वहाँ बहुत परेशान हो गया था, तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। जब भी मुझे ये बोलते थे कि जाना है, लेटर आ गया, कोच का फ़ोन आया है, तो मैं घर से भाग जाता था। तो फिर जब उसने बोला, कोच का एक दिन फ़ोन आया, मेरी बात करवाई कि भाई आपके जाएगा जाएगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, फिर नहीं जा पाएगा। तो फिर मैं मन मतलब कि एकदम से बांध के, मैं चलो यार अब चलना ही पड़ा, देखें जो होगा। तो एक ट्रेन जाती थी यहाँ से हैदरा वो अहमदाबाद मेल करके, कोई जनरल टिकट लिया, तो मुझे डर लग रहा था कि स्लीपर में जाएंगे तो पकड़ लेंगे, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, डरा रखा था, टीटी पकड़ लेता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो जब जनरल में पूरी भीड़ थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, और टिकट ले रखा था, और कोई ट्रेन नहीं थी, तो जहाँ डिब्बे का ज्वाइंट होता है वहाँ पर और भी बंदे बैठे थे, उनको देख के मैं भी वहीं बैठ गया। तो ना तो नींद आ रही है, नींद भी आ रही है और नहीं भी आ रही है, क्योंकि झपकी से आती थी, फिर देखता था नीचे तो फिर डर लगता था। तो मैंने कहा आज घर तो पहुँचे नहीं, शायद एक ऊपर पहुँचाएंगे आज। तो जयपुर जाके दो तीन पुलिस वालों ने पकड़ लिया, दो तीन लट दिए, डंडे मारे मेरे को, ये नीचे यहाँ कैसे बैठा है, मरेगा क्या, हमारे सिर पड़ेगा क्या। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है जी, जगह मिल नहीं रही, मैंने बताया उनको, तो उन्होंने हेल्प की, फिर मुझे उन्होंने उसमें स्लीपर में बांट दिया कि तू उसमें बैठ के चला जा, और बोल देना कुछ नहीं आएगा, टीटी आगे आए तो पीछे, आगे आए तो पीछे आ जाना, पीछे आए तो आगे चले जाना, उन्होंने टेक्निक बता दी टीटी से बचने की। मैंने बैग रख दिया सीट के नीचे एक जगह, और जैसे मैं टीटी देखता रहता था बस कि टीटी आ रहा है यार, तो कभी बाथरूम में चला गया, कभी आगे निकल गया, कभी फिर चला गया, तो फिर वापस आ गया। तो ऐसे करके मैं शाम को पहुँचा हुआ। तो ये है, जब से भाभी जी आई थी हमारी लाइफ में, मतलब हमारी फैमिली मेम्बर बने थे, तब से हमारी और ज़्यादा कबड्डी में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ गई। टारगेट क्या था, मतलब कि ऐसा कुछ फोकस नहीं था, ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये इंजीनियर बनना है, ये बनना है, क्योंकि पढ़ाई में तो अपनी रुचि है नहीं, तो इंजीनियर क्या बनते। तो अपना मतलब ये एक अपना शुरू से ही एक ऐसा अहम था कि कुछ भी करना है, कुछ मतलब नाम करना है। तब क्या था, ऑल इंडिया टीम हमारी जब जाती थी, तो जो हमारे सीनियर थे साई में वो खेलते थे, हम सब सूट में रहते थे बाहर, बैग वैग ठाने पे, किट ठाने पे, तो साला बहुत बोरिंग सा लगता था। तो ये सोचते थे कि यार इससे तो अच्छे हैं, यूँ मुझसे बेकार है, जब भी टीम में खेल रहा है इसको मूव लगाना पड़ता है, तो बड़ा मतलब कि अपने में जलसी फील होती थी एक कि नहीं यार कुछ करना है। फिर हटके मैं रेडिंग स्टार्ट कर दी। उसकी पर लगन थी बहुत ज़्यादा कि मेरे को कुछ करना है। हम लोग ऐसे माहौल से गुजरे थे कि हमें ऐसा लगता था कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हम कुछ ना कुछ जरूर पालेंगे। उसको लगन बहुत थी हर चीज़, उसको लगता था कि यार मेरे को देख लो, जैसे हम लोग यहाँ पे शादी की चिट्ठी, मम्मी बताती है, जैसे शादी की चिट्ठी आती थी तो पापा जी का नाम लिखा होता था, तो कहता था मम्मी देखना आज तो पापा के नाम से सब चिट्ठी आती है, एक दिन ऐसा होगा सब चिट्ठी मेरे ही नाम से आएगी, इतनी मेहनत मेरे को करनी है। तो हमारे वहाँ पे जो कोच थे जयवीर शर्मा जी थे, वो भी BSF से रिटायर थे, फौज के थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते थे हमारी। कम से कम शनिवार को जो क्रॉस कंट्री होती थी 10-12 किलोमीटर की तो होती थी, और पीछे से वो डंडा लेके साइकिल से चलते थे। तो वहाँ से मतलब कि बहुत ही अपने अंदर जिगरा हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से डर ही लगना बंद हो गया। बस ये रात दिन मेहनत करता रहता था, बस कभी कुछ कर रहा कभी कुछ कर रहा, मतलब इसका तो अलग ही सिस्टम था सबसे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब सोने का तो कोई ना काम ही नहीं, अब भी नहीं सोता इतने, तो एक दो घंटे की नींद मुश्किल से ली तो ली, नहीं वरना एक्टिविटी में रहता है 24 घंटे। दीपावली होली पे जो छुट्टियाँ पड़ती थी उसमें भी घर पे नहीं गया, उसमें भी मैंने कोच साहब के साथ, कोच साहब और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, कोच साहब ने मुझे, मैं अकेला ही था उस टाइम वहाँ गांधीनगर साई में। तो हम आज एक दो टूर्नामेंट में गए, एयर इंडिया साथ मैच हुआ, एयर इंडिया से अजय ठाकुर अनुभर खेलते थे, तो हमारा मैच हुआ इनसे, तो मैं इनके सामने थोड़ा अच्छा खेला, तो इन्होंने मुझसे कहा भाई क्या नाम है तेरा, मैं राहुल,
कि एयर इंडिया में खेलेगा मगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ पे 7 या 5 हज़ार रुपये मिलते थे एयर इंडिया में, कोई ज्वाइनिंग भी नहीं की थी, कोई परमानेंट नौकरी मेरे पास नहीं थी, तो पिताजी तो यही बोलते थे कोई पैसे उसे तो देता नहीं है, पता नहीं कौन सी नौकरी करता है, एयर इंडिया क्या नौकरी है पता ही नहीं है। ये मेरी जब शादी हुई थी तो हमारे ससुर मम्मी हमारी कभी कुछ नहीं बोलती थी, उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें तो बस ये कहना है बेटा देख लो तो सही है तुम करना, गलत कभी जीवन में करना मत। लेकिन हमारे जो फादर हैं वो बोलते थे कि क्या है कबड्डी, कौन पूछता है ऐसा कबड्डी को, कोई नहीं पूछता है, और बताओ ये अंशु आई है कबड्डी का, कबड्डी ना होती किसी और गेम से आना, ये होती तो इसकी आज और वैल्यू होती, सर हमारे फादर बोलते थे। फिर उसके बाद में जब मैंने उनको बोला पापा को, मेरे को पता चला मैं पापा आप चिंता मत करो, देखना एक दिन बहुत नाम रोशन करेगा आपका, प्रो चलने वाली है। खेल में चाहिए ना गेंद ना बल्ला, उठा पटक के मचा दे हल्ला, बात करूंगा सबसे तगड़ी और खेलेंगे हम कबड्डी 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 कबड्डी। ये है स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी। यही टाइम था हम लोग सोए हुए थे, राहुल का कॉल आता है, कह रहे हेलो, मैं कहा, कह रहे मैडम वो मेरा 8 लाख में मेरी बोली लगी है, और मतलब 8 लाख में बोली लगी और मेरे को प्रो में ले लिया गया है। मैंने बोला एकदम, पापा हमारे बाहर सोए थे, मैंने कहा पापा जी कह रहे हाँ वो पापा जी राहुल की बोली लग गई है और उसको 8 लाख में खरीद लिया गया है। कह रहे तुम लोग सब झूठ बोलते हो, तुम्हारा कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई 8 लाख में कहीं नहीं खरीदा, तुम सब लोग झूठ बोलते हो। तो मैंने घर वालों से बताया पापा से कि मैं 8 लाख 20 हज़ार में बिका, मैं ना कैसे बिक गया तू, ऐसे मेरे बिना कैसे बिक गया, तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो बड़ी खुशी हुई कि भाई अब तो जो मंजिल पर वहाँ पहुँच गए, क्योंकि वो तो बड़ी मंजिल है। टाइम पे 8 लाख हमारे लिए, अब मैं आपको बताऊँ 8 करोड़ के बराबर थे, बहुत ज़्यादा मायने थे, क्योंकि हम एक सिंपल परिवार से थे, हमारे डैडी किसान थे बस। तो पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो वो सारे पैसे पापा ने घर में ही लगाए, घर अच्छा किया। जैसे कि आज 1.29 करोड़ की जो अहमियत है, उस टाइम 8 लाख की अहमियत थी, बहुत बड़ी बात थी 8 लाख रुपए, क्योंकि अगर कहीं नौकरी सर्विस करें 3,000 रुपए तो भी 8 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। घर वालों को बहुत खुशी थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करा भी। और जब फर्स्ट टाइम शूटिंग हो रही थी हमारी बैंगलोर में प्रो कबड्डी की, और कटिंग वटिंग हो रही थी, बड़े एक्शन से बना रखे थे, बड़े सुंदर सुंदर कर दिए थे हम सब, तो तब बहुत अच्छा लग रहा है शूटिंग के लिए, मतलब कि ऐसे दूसरे भरे नहीं यार, पहले मैं कराऊंगा। जगमोहन कह रहे हैं राहुल चौधरी से कि कंट्रोल रेड करना, क्योंकि अगर इनको पकड़ा गया, और राहुल चौधरी का बहुत बेहतरीन जंप है, राहुल चौधरी का कमाल का जंप, और 2 पॉइंट्स लेकर जाएंगे। वो काबिलियत है कि डिफेंडर की पकड़ से बचा ले अपने आप को। प्रो कबड्डी के बाद में उसके जीवन में बदलाव यही आया है कि जो उसकी परफॉर्मेंस अप रही है, जो उसका फैन सर्कल जो बढ़ा है ना बहुत ज्यादा, उससे उसको लगा के यार अगर तूने इतनी मेहनत करी है, और मेहनत करने के कारण आज तेरा गेम अप होने के कारण तुझे दुनिया इतना पहचान लिया, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को बरकरार रखूंगा, यार मेरे को मेहनत ही करनी है, मेहनत करने देखो आज मेरा कितना नाम हुआ है। जब मैं पहली बार, मुझे याद है जब पहली बार मैं गाँव में गया था खेलने के बाद, और मैं बेस्ट राइडर निकाला गया था, तो मेरे यहाँ गंगा जी पड़ती हैं, पहले बैराज का पुल बोलते हैं उसको, वहाँ से गांव पड़ता है, जो शहर है हमारा वहाँ से 10-12 किलोमीटर पड़ता है, तो मुझे यकीन नहीं कि इतनी पब्लिक थी बिजनौर की, इतना प्यार मुझे मेरे शहर वालों ने गांव वालों ने दिया था, कि वहाँ से लेके और गांव तक मुझे ये नहीं पता कि भीड़ कितनी थी, हाथों पर ठा रखा था मुझे, इतना मतलब इतना खुश थे वो, मतलब जो भी शहर का कोई बंदा था जो ना हो। कबड्डी खेलते तो ये सबका सपना होता है कि हम अगर कोई भी गेम खेलते तो इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडिया के लिए खेलें एक बार। तो जब पहली बार मैं गया था बीच एशियन गेम में गया था, तो बहुत इंडिया पर तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, सब खुशी का माहौल था पूरे परिवार में, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। वो फर्स्ट टाइम की फीलिंग थी हम लोगों की, जब हम लोगों को पता चला तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, मतलब जो चीज़ हम सपने देखते थे ऐसा क्या ऐसा होगा, वो चीज़ ईश्वर ने हमें दी। तो बीच एशियन गेम जो हुआ था पॉकेट में हुआ था थाईलैंड में, तो मैं उस टीम का कैप्टन था, बहुत ही
नर्वस सा था मैं जब पहली बार कैप्टन के लिए, और भी ज़्यादा नर्वस फील होता है क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कैप्टन बनना, इंडिया टीम और फिर ऊपर से कैप्टन। आज मैं कबड्डी कोच हूँ, मेरे घर में एक इंटरनेशनल है, बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। The Raid Machine, Rahul Chaudhary. सीजन 6 का ऑक्शन चल रहा था, मैं बॉम्बे में था और लाइव चल रहा था। तो हमारी बात हुई कि भाई आज तो बोली लगने वाली है और सब देखना, टीवी चला लेना भाई, सब लोग देखना। करें ठीक है, हाँ सब लोग देखेंगे। More for this one. Can we go 25 or should we just go 21? Anyone going to give me 25? भाई लास्ट जो बोली तो सीजन 6 के लिए हो रही थी और हम देख रहे थे, लाइव चल रहा था। We have 60 from the Pirates. Thank you very much, sir. 60 from the Pirates. Who would like to come back now? How about 65? Have someone got 65? तो मेरी 70-80 पे जाके पहुंचे, 70 लाख 80 लाख, तो थोड़ा धीरे-धीरे चलने लगी। मैं सोच रहा पता नहीं यार यहां पे रुकेगी शायद। We hear 95 from you, Mumbai. Do we hear 100 for the big round of applause? 100 to the Pirates. Thank you very much, sir. खुशी होती है, देखो कहां तक नंबर जाता है इसका। 110 for the Pirates, who's going for the record, I think. Do we hear 111, sir? फिर हमने जैसे मतलब जैसे ही बोली बढ़ती गई, हम भगवान को ऐसे पकड़ा, ऐसे हाथ में प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, आंसू आंखों से गिर रहे हैं फटाफट। जैसे जैसे उसकी बोली बढ़ती गई तो बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब 128 we're looking for. It's 127 going against you, sir, at the moment, going once. At 127 it's going twice against you. पर फिर उससे आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती गई, 1,29,00,000 तक मेरी बोली पहुंची, तो मैं बहुत खुश हुआ यार, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। They've come to the party. The Titans have played their FBM. Go on to the Titans. देखो जी, बहुत मुसीबत उठाई, बहुत मेहनत करी, अब तो खुशी खुशी। बड़ा अच्छा लगा, सब खुश हो गए एकदम, राहुल गया इतने बिक गया। तो तब उसके 1,29 लगी तो बहुत हमें खुशी हुई, पूरे घर में बहुत खुशी का माहौल था। और देख के मतलब क्या कहना कि एक रात तो नींद नहीं गई भाई, 1,29,00,000 उसको मिले हैं, ये है वो है, तो पूरा परिवार बहुत खुश था। ऐसा था कि सपना भी नहीं आया कभी हम टीवी पे आएंगे या हमारे पास इतना पैसा होगा और कभी इतने पैसे हमें मिलेंगे, कहाँ चम्मच कटोरी, कहाँ 1,29,00,000, बहुत मतलब धरती आसमान का फर्क है। तो इतना कभी सोचा नहीं, सपने क्या, सपने से भी बहुत दूर सोचती। राहुल ने हमारे लिए इतना किया, पूरे परिवार के लिए और पूरे गांव का नाम, यूपी का नाम और इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, हम ऐसे करते रहे। पर ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया कि इतने बड़े अच्छे प्लेयर हो, इतने महंगे, इतने करोड़पति हम बनेंगे, इतना पैसा हमें कबड्डी में मिलेगा। और कबड्डी में हर चीज़ है, पैसा भी है, शौहरत भी है और आपको एक अच्छा प्लेटफार्म भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, और इतना कुछ ज़्यादा महंगा गेम भी नहीं है। तो ये है कि आप सब सपोर्ट करें कबड्डी को लाइक करें और अपना आप भी खेलें और आगे आएं।